अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे, सब ठीक ठाक और सब फिट फाट होंगे। काफी दिनों से काफी लोगों की शिकायत है कि सर आपकी वीडियो लगातार हर दिन नहीं आ रही, हर दिन नहीं आ रही। तो मैं आप लोग को जो टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूँ उसमें आपको एक वीडियो जो आपको बना के दे रहा हूँ मैं, वो उस एक दिन नहीं 3 4 दिन भी चल सकती है, अगर आप उसको सही से देख के समझ के ट्रेड करेंगे तो, और सीखे मेरे भाइयों। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या आपको बताया था? लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एरिया ब्रेक हो तो यहाँ से हम छोटी एक सेल ले सकते हैं। अच्छा, प्राइस देखिए, अगर आप प्राइस लेंगे एरिया ब्रेक करने के बाद दोबारा इस एरिया के अंदर री एंटर हो गई। देखें, जब तक प्राइस 20 के अबव रहेगी गोल्ड का प्राइस बुलिश रहेगा, जब तक प्राइस 20 से बिलो रहेगी गोल्ड का प्राइस जो है वो बेयरिश रहेगा। सिंपल एज दैट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो गोल्ड ने बाइंग तो जाना था। अच्छा, यहाँ पे गोल्ड ने H4 में बहुत ही जबरदस्त एक पैटर्न क्रिएट करा है, विच इज अराउंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। सही है, यहाँ पे प्राइस ने हेड बनाया, शोल्डर वन शोल्डर टू, अब प्राइस दोबारा एक हाई क्रिएट करने के प्राइस अपना चांसेस दिखा रहा है। प्राइस को बुलिश मोमेंटम रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस है जो कि है 1930 की। 1930 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आप जो है गोल्ड को मजीद बाई करेंगे। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, इसको देखते हुए चलेंगे तो आप गोल्ड में भी नहीं फंसेंगे, पाउंड में भी नहीं फंसेंगे, यूरो में भी नहीं फंसेंगे, एयूडी में भी नहीं फंसेंगे, किसी भी पेयर में नहीं फंसेंगे, नेस्डेक और डाउ जोन्स में भी नहीं फंसेंगे। सिंपल है, आप जो है डॉलर इंडेक्स की ये रेंज मार्क कर लें, विच इज अराउंड 05.100 एंड 105.500। रेंज है आपकी 40 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में आप ब्रैकेट बना लें डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स जिस भी तरफ ये रेंज ब्रेक करेगी, अगर डॉलर इंडेक्स 105.500 की बाइंग का एरिया ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे, तो आप गोल्ड में सेलिंग देख सकते हैं, पाउंड में सेलिंग देख सकते हैं, यूरो में सेलिंग देख सकते हैं, एयूडी यूएसडी में सेलिंग देख सकते हैं। सही है, नेस्डेक में भी आपको एक सेल मिल सकती है। अच्छा, इसी तरीके से आप 105.100 का एरिया जो है जैसे ही वो ब्रेक होगा तो उसके बाद आप इन सारे पेयर्स में बाइंग देख सकते हैं। आप डॉलर इंडेक्स को देखें और इसको देखने के बाद आप ट्रेड करें। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बहुत सारे अलग अलग पेयर्स पे चले जाएं, एक पेयर पे जाएं, एक पेयर से आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है। अच्छा, बाकी आज के दिन की न्यूज क्या है? आज के दिन की यूरो की न्यूज है 1 बजे, जो कि अच्छी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है, जो कि आपको यूरो और डॉलर के पेयर्स पे जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बाकी 6 बजे जो है लगाड़े की स्पीक है, ये भी एक मीडियम इम्पैक्ट अच्छी न्यूज है। अच्छा, इसके अलावा हमारे इंडिकेटर ने हमें क्या पोजीशन दिखाई है? हमारे इंडिकेटर ने हमें बुलिश दिखा दिया, प्रॉपर बुलिश दिखा दिया है। हमारे इंडिकेटर ने हमें प्रॉपर बुलिश दिखा दिया यहाँ पे, और इसने इंडिकेशन हमें कहाँ पे दी थी? इसने इंडिकेशन हमें 22 पे दी थी। अभी प्राइस जो है वो 26 पे चल रही, 27 पे चल रही है प्राइस, तकरीबन 50 पिप्स का इसने फिर आपको मूव दे दिया। तो इस इंडिकेटर पे भी जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। काफी सारे सिग्नल प्रोवाइडर्स ये वाला इंडिकेटर यूज कर रहे हैं मुझसे लेके, और वो भी लोगों को बहुत अच्छे सिग्नल्स भी दे रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो सिग्नल्स प्रोवाइडर्स के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर रही है, स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर रही है, और नॉर्मल ट्रेडर जो इंटरडे ट्रेडर है उसके लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर रही है। सही, इंडिकेटर के बारे में आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ, अभी भी ये कंटिन्यूस बाइंग बता रहा है। लेकिन एक की रेजिस्टेंस एरिया है जो है 1928 टू 1930 का एरिया, वो जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही प्राइस जो है वो प्रॉपर बुलिश बनाएगा अपनी। अभी तक प्रॉपर बुलिश नहीं बनी है, प्राइस एक एरिया में रेंज कंसोलिडेट कर रहा है, कभी 20 पे ऊपर निकल जाता है तो कभी 20 पे नीचे निकल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हम आ जाते हैं दोबारा चार्ट पे अपने। तो यूरो की क्या सिचुएशन है? यूरो यहाँ पे रेंज हो रहा है H4 में, यूरो की रेंज बना लें, और यूरो की रेंज बना के यूरो की इस रेंज पे ट्रेड करें तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। ये रेंज बन गई आपके सामने, ये रेंजिंग एरियाज हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये जिस भी साइड ब्रेक और साइड आप यूरो पे ट्रेड ले सकते हैं। बाकी हम आते हैं USDT में, तो USDT का क्या मूव चल रहा है? USDT के H1 की रेंज हम मार्क करेंगे, H1 की रेंज मार्क करके उस रेंज के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखी जाएगी। ये दो रेंजिंग एरियाज हैं, ये एरिया जिस भी साइड ब्रेक हो उस साइड आप USDT में एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। बाकी ये हम आते हैं सिल्वर में, सिल्वर की आपको बाइंग एरिया बताया था मैंने, भूलिएगा नहीं, ये बाइंग एरिया बताया था मैंने आपको, ये आपके सामने लगा हुआ बाइंग एरिया कि आपने यहाँ से बाइंग करनी है सिल्वर में। और सिल्वर यहाँ से कितने पे छूट गया? सिल्वर यहाँ से टोटल 80 पॉइंट्स उठा, फिर यहाँ से अभी जो है तकरीबन अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 70 पॉइंट्स सिल्वर उठ चुका है। बाकी हमारे आते हैं AUD USD में, तो AUD USD भी फॉल हुआ था, ये भी उतना स्टार्ट हुआ हो गया गोल्ड की तरह, और इसने क्या पैटर्न क्रिएट करा? इसने प्रॉपर बुलिश ट्रेंड अपना क्रिएट करके फिर यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड भी स्टार्ट कर दिया। ये कंफ्यूज कर रहा है लोगों को, पहले बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है फिर बेयरिश ट्रेंड दिखा रहा है। तो इस पर हम H4 में देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बनाया इसने? अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम में तो प्राइस को बुलिश आने के लिए, AUD USD को प्रॉपर बुलिश ट्रेंड क्रिएट करने के लिए ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज अराउंड 0.646545। ये वाला जो एरिया आपके सामने, ये वाला एरिया ब्रेक करना पड़ेगा जब जाके जो है प्राइस बुलिश होगी प्रॉपर। अच्छा, USD CAD का क्या सिनेरियो? USD CAD
बहुत अच्छे एरिया से बाइंग उठा, फिर इसी एरिया में फंसा हुआ यूएसडीकेट। यूएसडीकेट जैसे ही इस एरिया को ब्रेक करना तो आप यूएसडीकेट में बाइंग देख सकते हैं। बाकी यूएसडी जेपीवाई सामने पड़ी हुई है, ट्रेड सब चीज़ें एरिया सामने पड़े हुए हैं। मेरी वीडियो जो कंसिस्टेंट देखता होगा ना, जो मेरी वीडियो है सारे जब मैं पेयर्स का बता रहा होता हूँ तब देख रहा होता होगा, या किसी इंडिविजुअल का बता रहा होता हूँ, तब उन्हें मैं जो एरिया लिख के दे रहा हूँ, ये जो मेरे चार्ट पे एरिया लगा हुआ है, आप वो एरिया अपने पास भी लगा लें, आपको बहुत फायदा होगा। आप हैंड चेंज कर करके किसी ना किसी एक चार्ट पे आपको ट्रेड मिलेगी लाजमी। बाकी कॉपी ट्रेडर्स अलहमदुल्ला अल्लाह पाकिस्तान से बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। अभी तक हम सब कॉपियर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट में, आज तक इतना टाइम हो गया आज तक किसी ने भी 1 रुपए का लॉस नहीं करा कॉपियर में। मेरे साथ किसी के साथ कराओ या नहीं कराओ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ आज तक 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ। जो भी आया है अभी तक वो प्रॉफिट में, अभी तक वो प्रॉफिट में। बाकी कॉपियर पे आना चाहते हैं तो कॉपियर में मोस्ट वेलकम। बाकी अपने अपने की दुआओं में सबका ख्याल रखिए, यूं हंसते रहें मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें। फिर अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।